रोग को ठीक करने में अगर देर करेंगे तो देर ही हो जाएगी और यह देर आपकी जान भी ले सकती है। हैरान करने वाला तथ्य यह है कि हम तब तक बीमारी का इलाज नहीं करवाते जब तक कि बीमारी पूरी तरह से बिगड़ नहीं जाती और फिर नतीजन इसका नुकसान भी हमें ही भरना पड़ता है। आजकल के दौर में जिस तरह का रहन सहन और खान पान है उससे हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और फलस्वरूप शरीर बहुत सी बीमारियों से घिर रहा है। गॉल ब्लैडर स्टोन भी ऐसे ही बीमारियों में से एक बीमारी है। ज्यादातर यह बीमारी बुजुर्गों और महिलाओं को होती है। अगर समय पर इसका इलाज ना कराया जाए तो यह समस्या एक गंभीर रूप ले सकती है। तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर स्टोन क्या होता है और यह कैसे हमारे शरीर में बनता है। गॉल ब्लैडर स्टोन का एलोपैथी में क्या इलाज है और आयुर्वेद की मदद से इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में अधिक जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि गॉल ब्लैडर क्या होता है। गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त शरीर में एक नाशपति के जैसा दिखने वाला अंग है जो कि ठीक लीवर के नीचे होता है। इसका काम है कि यह लीवर से निकलने वाले पित्त रस को इकट्ठा करता है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर और भी बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन क्या होता है और यह कैसे होता है। पित्त की पत्थरी या गॉल ब्लैडर स्टोन एक क्रिस्टल जैसा पदार्थ है जो कि पित्त में बनने लगता है। अचंभित करने वाली बात यह है कि पित्त की पत्थरी बिना किसी दर्द के रह सकती है और यह पित्ताशय की दीवारों को उत्तेजित कर सकती है और पित्त की नालिकाओं को बंद कर सकती है जिसके फलस्वरूप संक्रमण, सूजन व जलन और ऊपरी पेट में दर्द हो सकता है। जब यह कुछ ज्यादा ही गंभीर हो जाती है तो ऑपरेशन करवाने की जरूरत भी पड़ सकती है। अगर पित्त की पत्थरी को नजरअंदाज किया जाए तो यह लीवर में फैल सकती है और इस बीमारी की वजह से मौत भी हो सकती है। पित्ताशय की पत्थरी का अभी तक कोई खास कारण सिद्ध नहीं हुआ है और यह किसी भी उम्र में हो सकता है। हालांकि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि गॉल ब्लैडर स्टोन की संभावना को बढ़ा सकते हैं। इन सब में आता है मधुमेह यानी कि डायबिटीज, मोटापा, दवाओं का अधिक सेवन इत्यादि। इन सभी कारणों के अलावा कुछ अन्य चीजें भी हैं जिनसे यह बीमारी हो सकती है। यह चीजें हैं ज्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना जैसे कि ब्रेड, रस्क इत्यादि, ज्यादा प्रोटीन का सेवन करना, मीठी चीजों का ज्यादा सेवन करना, सोडा युक्त चीजें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि। पित्ताशय की थैली में निर्मित पित्त पत्थरी पित्त नली को अवरुद्ध कर सकती है और पैनक्रियाटिक एंजाइम को छोटी आंत में जाने से रोकती है। इससे बीमारी और भी बढ़ जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के इलाज की तरफ। अगर आपके दिमाग में यह बात है कि गॉल ब्लैडर स्टोन का इलाज केवल दवाई से हो सकता है तो आप गलत फहमी में हैं। एलोपैथी में इसका इलाज दवाओं के माध्यम से कुछ ज्यादा संभव नहीं है। पित्त की पत्थरी को ठीक करने के लिए एलोपैथी में ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। अगर ऑपरेशन करवा भी लिया जाए तब भी आपको जिंदगी भर दवा खानी पड़ती है क्योंकि ऑपरेशन में पित्त की थैली को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके ऑपरेशन का खर्चा भी बहुत ज्यादा है और ऐसे बहुत से केस हैं जिसमें व्यक्ति पैसों की कमी के कारण ऑपरेशन करवाने से वंचित रह जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर बात करें गॉल ब्लैडर स्टोन के आयुर्वेदिक इलाज की तो यह सबसे सुरक्षित है, बिना किसी साइड इफेक्ट वाला उपचार। आयुर्वेद में होने वाले गॉल ब्लैडर स्टोन के इलाज में ना तो किसी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और ना ही इसका खर्चा बहुत ज्यादा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उम्र भर किसी भी दवाई का सहारा नहीं लेना पड़ता। गॉल ब्लैडर स्टोन किट आचार्य मनीष जी द्वारा जड़ी बूटियों से तैयार की गई आयुर्वेदिक औषधि है जिसके इस्तेमाल से आपको पित्त की पत्थरी यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन से छुटकारा मिल सकता है। तो आइए आपको मिलवाते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के ऐसे पेशेंट से जिन्हें लगता था कि केवल ऑपरेशन के माध्यम से ही उनको पित्त की पत्थरी से छुटकारा मिलेगा, लेकिन महज एक कॉल से ही उनको इस दर्द से छुटकारा मिल गया और अब वह रोग मुक्त जीवन जी रहे हैं। जब मैं आई तो मुझे पित्त की ज्यादा प्रॉब्लम थी,
इतने में सब लोग कहते थे कि आपकी पथरी नहीं निकलती, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर आकर जीने दो में आई तो यहाँ पर मुझे डॉक्टर साहब ने बोला भी नहीं, आप ये दवाई खाएं तो आपका पथरी निकल जाएगी। मैंने विश्वास के साथ, मुझे 5-6 महीने हो गए, साल ही लगवाता साल ही होगा तो मैं ये दवाई खा रही हूँ। अब मेरे 2-3 बार अपना अल्ट्रासाउंड भी कराया, उसमें अब मेरी पथरी नहीं है, पित्ते में पथरी नहीं है। और इसी के साथ मुझे थायराइड भी था और भी कई बीमारियाँ थी, जिससे मुझे अब काफ़ी फ़र्क है। हाँ जी, जब आप हमारे पास आए थे तो आपको टांगों पे दर्द था, घबराहट था, फैटी लीवर था, खांसी थी, फेस पर भी प्रॉब्लम्स थी। हाँ जी, वो सारी प्रॉब्लम्स अभी इनकी बिल्कुल ठीक है सब। और पित्ते की पथरी ये जब हमारे पास आए थे तो इनकी 9 mm की थी और अभी बिल्कुल क्लियर है। तो 2 या 3 बार हम अल्ट्रासाउंड करवा कर देख चुके, बिल्कुल नहीं है। कहाँ पर इनको डॉक्टर से बोला था कि आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा? हाँ जी, वही बोला था डॉक्टर ने, सभी ऑपरेशन के लिए बोलते थे मुझे भी, आप ऑपरेशन कराओ ऑपरेशन कराओ। तो मैंने ऑपरेशन से मैं घबराती थी, इन्होंने विश्वास से खाई चाहे डॉक्टर, इनके इनके विश्वास पर जाके हम कह भी देते थे इनको कि सब यही कहते हैं, पर फिर भी इन्होंने डॉक्टर मैडम ने कहा कि आप खाओ ठीक हो जाएगी। अच्छा, आप बाकी लोगों को क्या कहना चाहेंगे, दर्शकों को दिव्य उपचार के लिए और आयुर्वेदा के लिए कुछ? अब इस इलाज में ये तो है, टाइम तो चाहे लगता है, समय भी लगता है, पर विश्वास भी रखना पड़ता है। विश्वास करके नियम पूर्वक दवाई खाई जाए तो ऑपरेशन से बचा सकते, जैसे आप बच गए हो, है ना? जैसे हम बचे, हमें डॉक्टर ये कहते थे कि 2 मिनट का ऑपरेशन करा लो। तो आपने देख ही लिया होगा कि कैसे इस पेशेंट ने आयुर्वेद की मदद से गॉल ब्लैडर स्टोन से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। अब यह एक सुखी और आनंदमय जीवन का आनंद ले रहे हैं। यही नहीं, ऐसे बहुत से और लोग हैं जिन्होंने अपनी हर समस्या का समाधान आयुर्वेद में पाया। तो दोस्तों, अब देर किस बात की है, अभी फोन उठाइए और कॉल कीजिए हमारे शुद्धि क्लिनिक के इस नंबर पर 7528875283 और पाइए अपनी गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या से हमेशा के लिए निजात। आचार्य मनीष जी और समस्त शुद्धि की टीम आपके स्वस्थ जीवन की कामना करती है। धन्यवाद।